श्रोताओ, सीता स्वयंवर में धनुष दो थे, कैसे? आज हम इसी प्रसंग को लेते हैं। श्रोताओ, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम। बोलो जय श्री कृष्णा। जो भी हमारे नए श्रोता हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले आपको हमारा ज्ञानात्मक वीडियो मिल सके। तो श्रोताओ, सीता स्वयंवर में धनुष दो थे, कैसे? आज हम इसी प्रसंग को लेते हैं। श्रोताओ, हमारी वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण में तो एक ही धनुष का वर्णन मिलता है, जिसको भगवान श्री राम ने तोड़ा था। लेकिन हमने सोचा कि आज जैन रामायण का अध्ययन भी कर लें। तो जब हम जैन रामायण का अध्ययन कर रहे थे, तो वहां हमें कुछ अलग ही कहानी मिली। तो वो प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। श्रोताओ, जब सीता जी का जन्म हुआ, ये हम जैन रामायण के अनुसार बता रहे हैं, जब सीता जी का जन्म हुआ तो उसका एक भाई भी पैदा हुआ। उस भाई का नाम था भामंडल। अब पूर्व जन्मों के कारण एक देवता से उसका द्वेष था, तो उस भाई का अपहरण उस देवता ने कर लिया। लेकिन वो जो देवता जिसने अपहरण किया था, उसकी उस भामंडल के साथ दुश्मनी थी, जो कि सीता का भाई था, इसलिए उसने उसको ऊपर से ही छोड़ दिया। श्रोताओ, एक विद्याधर था चंद्रगति, उनके कोई संतान नहीं थी। तो जब चंद्रगति बैठे हुए थे सिंहासन पर, तो ऊपर से एक बालक आकर गिरा, वही भामंडल जो सीता जी का भाई था। वह उसकी गोद में आके गिरा। उसने इधर उधर देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। जब कुछ दिखाई नहीं दिया तो सोचने लगा कि भगवान ने हमारे लिए एक बालक दिया है। श्रोताओ, वह उस बालक को अपनी पत्नी के पास लेकर गया और पत्नी ने उस बालक को स्वीकार कर लिया। और दूसरे दिन शहर में बाजे बजवाए गए और नाच गाना हुआ कि उनके बालक हुआ है। तो श्रोताओ, इस प्रकार से जो चंद्रगति नामक विद्याधर था, उसको सीता का भाई भामंडल प्राप्त हो गया। अब श्रोताओ, इधर सीता जी बड़ी हो रही थी, उधर भामंडल बड़ा हो रहा था। जब बड़े हो गए तो एक दिन नारद जी जनक के दरबार में आते हैं। उन्होंने सीता जी का रूप देखा तो उस पर मोहित हो गए और सोचने लगे, अरे ये सुंदरी, तो मैं ऐसा करता हूँ कि चंद्रगति के लिए बताता हूँ और उनका पुत्र है भामंडल, वो ही शादी करके ले जाएगा। श्रोताओ, नारद वहां से गए और चंद्रगति के पुत्र भामंडल के लिए सब कुछ वर्णन कर दिया और चंद्रगति के लिए वर्णन कर दिया। अब ऐसी सुंदर कन्या को कौन प्राप्त करना नहीं चाहेगा। भामंडल ने कहा कि मुझे वह कन्या हर हालत में चाहिए। श्रोताओ, चंद्रगति इधर प्लान बनाता है, योजना बनाता है। इधर जनक जी
भगवान राम की वीरता देख चुके थे। भगवान राम ने कई राक्षसों का संहार किया था और एक जगह जनक को भी बचाया था राक्षसों से, ऐसा जैन रामायण में लिखा हुआ है। तो जनक जी सीता को भगवान राम के लिए देना चाहते थे, लेकिन उधर जो चंद्रगति था उसने एक ऐसा घोड़ा जनक के दरबार में भेजा जो बहुत ही सुंदर था। अब दरबारियों में से कुछ लोग कहने लगे कि इसकी सवारी मैं करूंगा। लेकिन सुंदर घोड़ा था, राजा जनक कहने लगा इस घोड़े पर सबसे पहले मैं बैठूंगा। श्रोताओ, जनक जी उस घोड़े पर बैठे और घोड़ा आकाश में उड़ने लगा और उस विद्याधर चंद्रगति की नगरी में चंद्रगति के सामने रुका। जनक जी वहां उस घोड़े से उतर गए और सोचने लगे मैं कहां गया। चंद्रगति ने राजा जनक का स्वागत किया और राजा जनक से बात की कि मैं आपकी पुत्री का हाथ मांगता हूं, आप मेरे पुत्र के लिए आपकी पुत्री सीता का विवाह कर दें। लेकिन राजा जनक ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। श्रोताओं, जब राजा जनक ने मना कर दिया तो राजा चंद्रगति भी बात को बिगाड़ना नहीं चाहते थे। राजा चंद्रगति के पास दो दिव्य धनुष थे, उन धनुषों के नाम थे वज्रावर्त और सागरावर्त। अब चंद्रगति बोला कि हम आपको एक सलाह देते हैं, हम आपको दो धनुष देंगे, यदि उन धनुषों को आपके जो भगवान श्री राम हैं वो तोड़ देंगे तो आप सीता की शादी उनके साथ कर दीजिएगा, और अगर धनुष नहीं टूटता है तो आपकी लड़की सीता को हम जबरदस्ती आपके स्वयंवर से उठा लाएंगे, जैसे हमने आपको यहाँ बुलवा लिया। श्रोताओ, राजा जनक ने स्वीकार कर लिया। राजा चंद्रगति दो धनुष लेकर आए और राजा जनक के दरबार में जमा दिए। अब तो सीता स्वयंवर की तैयारियां शुरू हो गईं। श्रोताओ, देश विदेश में निमंत्रण भेजे गए और देवता ऋषि मुनि किन्नर जगह जगह के राजा सभी उस सीता स्वयंवर में आए। श्रोताओ, सीता स्वयंवर में बहुत अधिक भीड़ थी, लेकिन शर्त सुनाई गई कि जो इन धनुषों को तोड़ेगा वो सीता का पति होगा। श्रोताओ, वो धनुष जैन रामायण के अनुसार इतने विकराल थे, उनमें से आग की लपटें निकल रही थी, उनमें से सांप फुफकार रहे थे। तो जब राजाओं ने देखा, अरे हम इन धनुषों के पास क्यों जाएं? क्या इन धनुषों को तोड़ना जरूरी है? ये सुंदरी नहीं मिलेगी तो कोई दूसरी सुंदरी मिलेगी। तो ऐसे करके राजा वहां से धीरे धीरे निकलने लग गए। भगवान श्री राम भी वहां बैठे हुए थे। तो सबसे पहले लक्ष्मण जी गए और लक्ष्मण जी ने सागरावर्त धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाई। इधर भगवान श्री राम ने वज्रावर्त धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाई और श्रोताओं, उन दोनों धनुषों को उन्होंने एक फूल की तरह हाथ में उठा लिया। अब तो श्रोताओं,
जब दोनों धनुषों को उठा लिया तो लोग इधर उधर सभी राजा देखने लगे, अरे ये कैसे संभव है। लेकिन ये संभव ऐसे हुआ जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण धनुषों के पास पहुंचे तो जो लपटें निकल रही थी वो तो शीतल हवा में बदल गई। जो सांप फुफकार रहे थे वो कहीं दिखाई नहीं दिए और भगवान राम ने कमल के फूल की तरह धनुष को उठा लिया था। अब तो सीता जी का विवाह राम के साथ होने लगा और लक्ष्मण जी का विवाह एक जो जनक के भाई थे कनक जी, उन कनक की एक पुत्री थी उसके साथ होने लगा। और उनका तीसरा भाई था उसने भरत के लिए अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया। श्रोताओं, यहाँ ये भी बताया गया है कि लक्ष्मण जी पर बहुत से विद्याधर और राजा मुग्ध हो गए। तो लक्ष्मण जी के यहाँ 18 कन्याओं का विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ। तो श्रोताओं, इस प्रकार से दो धनुष थे, भगवान राम ने तोड़ा था वो वज्रावर्त धनुष था और लक्ष्मण जी ने तोड़ा था वो सागरावर्त धनुष था। तो श्रोताओं, जैन रामायण के अनुसार ये दो धनुष थे, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में कई प्रकार की रामायणें चलती हैं, इसलिए हमने आज जैन रामायण का अध्ययन किया और जैन रामायण के अनुसार दो धनुष थे, भगवान श्री राम ने तोड़ा था वह धनुष वज्रावर्त था और लक्ष्मण जी ने तोड़ा वो सागरावर्त था। अब हम आपसे लेते हैं विदा, बोलो जय श्री राम।